हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैच के बाद आने वाली प्रॉब्लम के बारे में। अक्सर कोर्ट मैच के दौरान कपल हमसे एक क्वेश्चन जरूर करते हैं कि सर, हम कोर्ट मैच तो कर लेते हैं, अगर कल को लड़की कोर्ट मैच से मुकर जाए कि मैंने शादी नहीं की थी, या लड़की घर से आने से मना कर दे, या मेरे खिलाफ कोई FIR करा दे घर वालों के कहने में आने पर, या लड़की ये कहती कि सर आज तो मैं कोर्ट मैच कर लेती, अगर कल को लड़का मुझे रखने से मना कर दे या कोर्ट मैच से मना कर दे तो मेरा क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, कोर्ट मैच एक दो लोगों का डिसीजन होता है, जो दोनों बालिग होते हैं, उनके पास अपने एज और एड्रेस प्रूफ होते हैं, उसी के व्याप पर आप कोर्ट आते हैं। पहले उनकी मंदिर में शादी होती है, अगर हिंदू है तो, और उस शादी का कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा करके मैरिज रजिस्ट्रार जो कोर्ट होती है उनको एक प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट इशू करती है। जब आप अपने वहाँ पर मैरिज परफॉर्म कराते हैं तो वहाँ पर दोनों का बायोमेट्रिक होता है, वेब कैम से लाइव पिक्चर क्लिक होता है और दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। यानी आपने इस प्रोसीजर में जाकर के कोर्ट मैरिज कराया है तो लड़का हो या लड़की हो कभी भी शादी से मुकर नहीं सकते हैं या इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा दोस्तों, एक क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन यह भी है, सर हम दोनों तो कोर्ट मैरिज के बाद ठीक रह रहे हैं, मगर हमारे घर वाले इस शादी को क्या तोड़ सकते हैं? वह इस शादी में नहीं थे, क्या वह पुलिस की मदद से हमारी शादी को कैंसिल करा सकते हैं? देखिएगा दोस्तों, कोर्ट मैरिज के बाद कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके मैरिज का कैंसिलेशन करा दीजिए। शादी के बाद केवल डाइवोर्स होता है और डाइवोर्स भी 1 साल के बाद ही फाइल कर सकते हैं, और उस डाइवोर्स भी 2 तरीके के होते हैं, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स और म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की कोई टाइमलाइन नहीं है, उसमें 5 से 6 साल का टाइम लगता है, और म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में भी 1 से 1.5 साल का टाइम लगता है। यानी इजीली शादी को चाहे लड़का लड़की खुद चाहे या फैमिली चाहे, किसी भी तरीके से खत्म नहीं कराया जा सकता है। बात आती है कि शादी के बाद सर लड़की मैरिज से मुकर गई, वह अपने माँ बाप के पास रह रही है, मेरे पास आना नहीं चाहती है, सर मैं इसके लिए क्या करूँ? देखिएगा, कोर्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र इच्छा होती है। वे अगर आपके साथ नहीं रहना चाहती हैं तो आप लीगली कार्रवाई कर सकते हैं, मगर उनको जबरन अपने साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लीगल कार्रवाई में आप उनको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं बातचीत करने के लिए, या कोर्ट में HM में हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं ससुराल से बीवी को घर पर लाने के लिए। अमूमन कोर्ट मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज में भी आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि हस्बैंड वाइफ में आपस में अनबन हो गई और बीवी जाकर के मायके में बैठ गई, बीवी आ नहीं रही है, हस्बैंड कोर्ट में केस डाल दे, वह लंबा चल रहा है, ना ही तो तलाक दे रहे हैं और ना ही साथ रह रहे हैं, तो यह आजकल बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो रही है। और ये चीज़ें बहुत जनरल है, आपस में बहुत ज़्यादा मेंटली डिफरेंसेस हो रहे हैं, तो यह केवल कोर्ट मैरिज की प्रॉब्लम नहीं है, अरेंज मैरिज में भी है। तो दोस्तों, हम टॉपिक पर आते हैं वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, कोर्ट मैरिज के बाद लड़की कोटा करके ये तो कह सकती है 164 के बयान में कि सर मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, तो कोर्ट उनको फैमिली के साथ ही भेज देगा, मगर यह नहीं कह सकती सर ये कोर्ट मैरिज मैंने नहीं की थी, और कहती हैं तो उन पर 420 ही बनेगी, क्योंकि जब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो सब मामला खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि लड़का या लड़की कोर्ट मैरिज के बाद मुकर जाए तो हमें सजा हो जाएगी, जेल चले जाएंगे, इस तरीके का कुछ भी होने वाला नहीं है। और आप दोनों में कोर्ट मैरिज के बाद प्रॉब्लम होती है तो आप अलग हो सकते हैं, मगर यह कोई क्राइम नहीं है, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे कि मैं जेल चला गया, शादी की थी, साथ नहीं रहे। तो इस तरीके की अफवाहों से बचें, अधिकतर इस तरीके की अफवाह उन लोगों द्वारा फैलाई गई हैं जो ना ही एडवोकेट हैं ना ही जिनको कानून की जानकारी है, तो ऐसे जानकारों से जानकारी न लें। कोर्ट मैरिज के बाद अगर आप दोनों में अनबन होती है तो आप अलग रह सकते हैं, मगर कोई सके कोर्ट मैरिज से मुकर गया तो हमें पुलिस उठा लेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, उसके लिए मगर यह बहुत ज़रूरी है कि आप यह निश्चित करें आपकी जो शादी हुई वह सही तरीके से हुई हो, यानी आपने शादी और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से कराया हो, आपने एफिडेविट मैरिज या और किसी तरीके का मैरिज अनुबंध, ना जाने मैरिज के नाम पर क्या क्या पेपर वर्क करा देते हैं, उन वह चीज़ें ना कराई हों, क्योंकि अगर आपने ऐसा कराया तो आप कोर्ट में एज ए हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लीगली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने कमेंट से ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर बने रहने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर इस चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।